आश्रम के ऊपर प्रशासन का हमला। नवंबर 2009, स्थान गांधीनगर का कलेक्टर ऑफिस। संत आसाराम बापू के साधकों के लिए एक काला दिन साबित हुआ। दरअसल बापू के साधक अहमदाबाद से छपने वाले एक अखबार संदेश के खिलाफ एक रैली निकाल रहे थे। पिछले कई दिनों से ये अखबार बापू को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत झूठी खबरें छापता रहा। इसीलिए बापू के साधकों ने इस अखबार के ऑफिस के सामने अनशन धरना देना शुरू कर दिया। वस्त्रापुर अहमदाबाद थाने के पुलिस ने धरना दे रहे साधकों को धारा 188 के तहत कई बार पकड़ा और कोर्ट ने छोड़ा। 14 दिन लगातार धरना चला, लेकिन प्रशासन, सरकार, राजनेता किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी कि इतना बड़ा धरना क्यों चल रहा है। यहाँ तक कि पल पल की खबर देने का दम भरने वाली मीडिया भी इस धरना प्रदर्शन से अनजान ही रही। 26 नवंबर 2009 को बापू के कुछ शिष्यों ने गांधीनगर में एक रैली निकाली। सेक्टर 4 गांधीनगर से कलेक्टर ऑफिस तक निकाली इस रैली का मकसद बापू के शिष्यों द्वारा संदेश अखबार के प्रति विरोध प्रकट करना ही था। रैली में भाग ले रहे साधक दर्शकों और राहगीरों को ये सीडी पकड़ाते और आगे निकल जाते थे। इस रैली के बारे में पहले से ही सीएम ऑफिस, गृह राज्य मंत्री, डीजीपी खंडवा और कलेक्टर ऑफिस तक बकायदा इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। 26 नवंबर 2009 गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई। इस रैली में ज्यादातर महिलाएं थी और कुछ पुरुष भी थे। रैली धीरे धीरे कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच रही थी। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। मीडिया भी इस रैली को कवर करने में मशगूल थी। रैली कलेक्टर ऑफिस तक पहुंची और जाप करते हुए कलेक्टर ऑफिस के सामने नीचे जमीन पर बैठ गई। श्री योग वेदांत सेवा समिति के कुछ सदस्य रैली शुरू होते ही गृह राज्य मंत्री की ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे और कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों की तरफ ध्यान देने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी समाचार मिला कि जमीन पर बैठे साधकों पर पुलिस की लाठियां बरसनी शुरू हो गई हैं। ज्ञापन दे रहे समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से बार बार प्रार्थना की कि महिलाओं पर लाठियां बरसाना बंद करवाएं। कलेक्टर ने इसकी हामी भी भर दी। वो सभी सदस्य बाहर आए तो देखा पुलिस किसी को भी पकड़ पकड़ कर अपनी गाड़ी में भर रही है। यहां तक कि जो लोग कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे थे लगभग 15-20 मिनट तक बात करते रहे और ठीक उसी समय रैली में लाठियां भांजी गई थी। रैली में भाग लेने वाले कुछ साधकों और मीडिया पर्सन का कहना है कि रैली में कुछ असामाजिक तत्व घुसे हुए थे और कुछ महिलाएं सफेद लिबास में थीं और थोड़ी थोड़ी देर बाद रैली से अलग होकर फोन पर बात करने लगती थीं। कलेक्टर ऑफिस तक जब रैली पहुंची तो वे महिलाएं गायब हो गई थीं और अब कुछ असामाजिक तत्व साधकों में घुसकर पत्थर बरसाने लगे। पुलिस भड़क गई और गुस्सा साधकों पर निकालने लगी। लगभग 250 से भी अधिक साधकों को पकड़कर खूब पीटा गया। इतना ही नहीं, दूसरे साधक जब उन्हें कंबल और खाना देने थाने पहुंचे तो उन्हें भी पकड़ लिया गया। रैली से ठीक एक दो दिन पहले संदेश अखबार के ऑफिस से तलवारें बरामद की गई थी, जिसका प्रमाण पुलिस स्टेशन भी है। फिर भी इस बात को अनदेखा कर छापा आश्रम पर ही मारा गया और पुलिस के हाथ जो भी लगा उसकी अत्यंत क्रूरता से अंधाधुंध पिटाई की गई।
आश्रम में पुलिस किसके आदेश पर घुसी ये तो नहीं पता, लेकिन हर एक की जमकर पिटाई करते हुए उन्हें गाड़ी में ठूस ठूस कर भरा और आश्रम में जो तोड़फोड़ की सो अलग। चंद ही मिनटों में आश्रम की जो शक्ल पुलिस वालों ने बनाई उससे तो यही लग रहा था कि आश्रम में पुलिस नहीं आतंकवादियों का काफिला घुसाया है। लाठी पिस्तौल से लैस थी ये मोक्ष कुटीर और बड़ बादशाह जो साधकों के लिए अत्यंत पूजनीय है वहाँ जूते चप्पल समेत घुसकर पुलिस ने बेइंतहा तोड़ फोड़ की। जिन साधकों व आश्रम वासियों को पुलिस पकड़ पकड़ कर ले गई उन्हें एक एक को बसों से उतारते और चढ़ाते हुए पुलिस ने डंडों से बुरी तरह से मारा। इतना ही नहीं आश्रम वासियों को पकड़ कर ले जाते समय पुलिस वाले बापू को गालियां भी दे रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आसाराम का नाम तक नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ समाप्त कर देंगे। सारी रात इन शिष्यों को सर्दी में 8x8 की छोटी और गंदी कोठरी जिसमें गंदा संडास भी अटैच था, 30 लोगों को ठूसा और कई जगह तो खुली छत पर भी बिना कंबल व चादरों के भेड़ बकरियों की तरह रखा गया। साधकों के गुप्तांगों पर भी बड़ी निर्दयता से लात और लाठियों से प्रहार भी किया गया और अपने ही गुरु का अपमान करने के लिए गालियां देकर कई बार कई तरह से प्रताड़ित किया गया। बापू के ऐसे शिष्य जो बिना भगवान नाम जप और पूजा पाठ किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते, ऐसे भक्तों को पुलिस स्टेशन में मांस और शराब मुंह में ठूसने की गालियों से धमकी भी दे रहे थे और भक्त जब राम नाम और हरिओम बोलते तो बुरी बुरी गालियां देकर उनकी छाती पर डंडे भोंकते थे, इतने बल से कि डंडा भी टूट जाता था। यही बदसलूकी रैली के दौरान बेकसूर पकड़ी हुई माइयों तथा बहनों पर भी किया गया। उन्हें तो बापू की फोटो पर थूकने और पैर रखने को भी प्रताड़ित किया गया, न करने पर उनकी इज्जत पर हाथ डाला गया। अगले दिन VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल आश्रम आए और कुछ साधकों से मिले तो इनके घाव खुद ब खुद इनकी दर्दनाक कहानी बयान कर रहे थे। बहरहाल अशोक सिंघल की पहल से आश्रम वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली। पुलिसिया खौफ के बावजूद भी इनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। इन शिष्यों के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार किया गया जैसे क्रिमिनल के साथ किया जाता है, लेकिन इन शिष्यों का मानना है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों को चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। त्रेता युग में जटायु ने धर्म की रक्षा करते हुए अपने पंख गंवा दिए थे तो हमने तो बस शरीर पर कुछ चोटें ही खाई हैं। चाहे जो भी हो, हमारे और हमारे गुरु के बीच अब रिश्ता और मजबूत हो गया है, ऐसा मानना है बापू के शिष्यों का। लेकिन देश विदेश में फैले बापू के इस नाम को बदनाम करने वाले इन चंद लोगों के मंसूबों को तो देखिए और इनका साथ देने वाले लोगों को भी देखिए, कोई इन पर नजर नहीं डाल पा रहा। आखिर साजिश कहाँ तक है आप समझ सकते हैं।